पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, याद हो गया होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम इसमें पढ़ रहे थे कि कुछ परपोषी जीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, तो परपोषी के अंदर हमने अमरबेल का उदाहरण पढ़ा था। अमरबेल क्या होती है? परपोषी होती है। वह किसी अन्य पौधों से, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, वह किसी अन्य पौधे पर आरोहित होती है। जिस पौधे पर वह आरोहित होती है उसी पौधे से अपना भोजन वह ग्रहण करती है तथा अन्य पोषक तत्व उन्हीं से ग्रहण करती है। फिर हमने कल मृत जीवी के बारे में पढ़ा था। मृत जीवी किसे कहते हैं? ऐसे जैविक पदार्थ जो मृत हो जाते हैं उनसे वह अपना क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उसे ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? मृत जीवी पादप कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया था छत्रक, वर्षा ऋतु में आपने कई पेड़ पौधों के नीचे छतरी नुमा संरचना देखी होगी। इस प्रकार की संरचना बनी हुई होती है पेड़ पौधों के नीचे छतरी नुमा संरचना व्हाइट सफ़ेद कलर की बनी हुई होती है। इसको क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। यह कई जगह वर्षा ऋतु में उग जाती है। तो ये कौन क्या है? मृत जीवी है। ये जहाँ पर उगती है उन्हीं वृक्षों से अपना भोजन ग्रहण करती है। अब मृत जीवी क्या होता है? कवक व फंजाई की पोषण प्रणाली भिन्न होती है। अब इनकी पोषण प्रणाली क्या होती है? अलग होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतहों पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। जैसे तुमने ब्रेड के ऊपर देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर क्या होता है, कवक आ जाता है, मतलब फफूंद आ जाती है। कई बार आपने अचार के ऊपर भी देखा होगा वो फफूंद आ जाती है। ये क्या कहलाता है? मृत जीवी कहलाता है। ये मृत जीवी पादप कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं पर खुद कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसी को वह खुद ही क्या करते हैं, साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। वह इसी जो विलयन बनाते हैं इसी विलयन का वह भोजन के रूप में इसी विलयन को वह भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम व उष्ण हो। कौन से? जहाँ पर नमी होती है उस स्थानों पर यह उगते हैं। कवकों को बीजाणु वायु में उपस्थित, कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, वायु में ही उपस्थित होते हैं। कई बार आप तुमने वर्षा ऋतु के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, तो ये वर्षा ऋतु में सब जगह अपने आप स्वतः ही कवक उग जाते हैं। कवक व फंजाई स्वतः ही उग जाती है। वर्षा ऋतु के अंदर आपने देखा होगा कई जगह पर नीली नीली दीवारों पर काई भी जम जाती है, वह क्या कहलाती है? कवक कहलाती है। ब्रेड को हम खुला छोड़ देंगे तो बंद करके रख देंगे तो वह नमी और गर्मी के कारण उसके ऊपर क्या जम जाती है? फफूंदी नुमा संरचना आ जाती है, वह क्या कहलाती है? फफूंद कहलाती है। तो वे क्या है? एक तरह के कवक है। वे स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी पादप कहलाते हैं। अब एक दूसरा है सहजीवी। सहजीवी पादप किसे कहते हैं? सहजीवी, जैसे नाम से ही है, सह का मतलब होता है साथ में और जीवी। जो जीव साथ में रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? सहजीवी पादप कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जो साथ में रहते हैं वही क्या कहलाते हैं? सहजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये क्या एक दूसरे के ऊपर, दो जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे अपना भोजन दूसरों से जिस पादप से ग्रहण करते हैं उसी के साथ में रहते हैं। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये किससे रहते हैं? एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इसे क्या, कौन सा संबंध कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन में दो भागीदार होते हैं, शैवाल और कवक। कवक स्वतः ही उग जाते हैं और शैवाल हरे रंग के काई होती है, उसको देखा होगा, वो क्या कहलाते हैं? शैवाल। शैवाल हरे रंग के होते हैं तो ये अपना भोजन, शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कवक जो है वो इनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देते हैं। इसलिए लाइकेन क्या हो गया?
सहजीवी हो गया। उसमें शैवाल और कवक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और शैवाल